आई प्रेज लॉर्ड में पश्चानंदर धल्टे और स्पिरिचुअल डोज डेली डोज स्पिरिचुअल डोज में आपका स्वागत है। और बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिन से आप वेट करते रहेंगे। सो आज इस गीत के द्वारा आज के संदेश का हम शुरुआत करेंगे। ये शॉर्ट मैसेजेस रहेंगे जो परमेश्वर मुझे हमेशा रेवलेशन देते रहते, कई बार बात करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये आप तक शेयर करना चाहिए। तो एक गीत के द्वारा इस संदेश का स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इस संदेश को हम स्टार्ट करेंगे। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसने दिया है। उस चारागाह से हम सब है आए, हम दूसना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। सो जैसे गीत का पहला लाइन है, जैसे मैंने गाया पहला लाइन कि याद रखो कि वही खुदा है। सो हमें हमेशा एक याद रखना है कि वही एक खुदा है। और हम दुनिया में थे, वहाँ पर हमें आसरा नहीं था, सहारा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर परमेश्वर ने हमें सहारा दिया, आसरा दिया। इसलिए दुनिया में हम निराश थे, तब जाकर इस यीशु मसीह में आए ना हम। फिर वहाँ पर क्यों लौटना चाहते हैं, फिर उस निराशा में, फिर उस बुरी हालात में? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर मत जाइए। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। जब मूसा और हारून को जब परमेश्वर ने जाने के लिए कहा था मिस्र में उन इसराइलियों को छुड़ाने के लिए, तब उन्होंने कुछ चिन्ह दिए थे उन्हें, तो कि जब ये लाठी डालोगे तो ये सांप बन जाएगी, और ये जब सांप बन जाएगी तो उनके सामने चिन्ह रहेगा। तो जब उन्होंने अपनी लाठी डाली फिरौन के सामने तो वो सांप बन गई। लेकिन फिरौन ने क्या किया, उन्होंने भी अपने टोनों और जादू टोना करने वाले लोग को बुला लिया, और उनकी भी लाठियाँ सांप बन गई। तो लोग, अरे देखो दुनिया में भी चमत्कार, यहाँ पर भी यीशु मसीह, उसमें क्या बड़ी बात, इसमें क्या, दुनिया में भी ऐसा, दुनिया और इधर भी ऐसा। इसलिए यीशु ने शांति के बारे में भी ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, वैसे नहीं जैसे जगत देता। इसका मतलब जगत में हर एक चीज़ डुप्लीकेट है लेकिन ओरिजिनल है। पता है क्यों मैं कह रहा हूँ? जब मूसा और हारून ने अपनी लाठी डाली थी, वो जो सांप बनी, तो उनके भी जो सांप बनी, वो देखो 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 नहीं, उसके बाद क्या हुआ, देखो उनकी जो सांप ने उनके सांपों को निगल लिया। तो इसका मतलब कि जब सत्य की बारी आएगी, जब एंड तक खड़े रहने की बारी आएगी, तो सत्य टिका रहेगा और झूठ निकल जाएगा। तो इनके जो सांप ने उनके सांपों को क्यों निगल लिया, सांप तो दोनों दिख रहे थे ना, लेकिन नहीं, जो रियल है वो हमेशा टिका रहेगा। सो आपको टिका रहना है सच्चे मसीह जीवन पर, वो रियल है। और अंत में इसके लिए जो दुनिया कहती है ना, जब कोई पेशेंट कहीं नहीं ठीक होता तो उनको कहते कि उनको चर्च में लेके जाओ, जब कहीं ठीक नहीं होता पेशेंट उनको कहते कि उनको चर्च में लेके जाओ। अभी उनको मालूम है जब कहीं नहीं होता वो चर्च में होता है, क्योंकि चर्च में एक जिंदा खुदा है, वो यीशु मसीह। सारी महिमा उसी में ले, उसे पकड़ कर चलो। याद रखो भाई ये खुदा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।